तो आज हम देखेंगे एलुस्ट्रेटर की फाइल को कॉर्नल में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरे एलुस्ट्रेटर की फाइल है, उसकी जेपीजी है, ठीक, लिंक फाइल है और फॉन्ट है। तो आपके पास फॉन्ट है तो सबसे पहले फॉन्ट इंस्टॉल कर लें और लिंक है तो अच्छी बात है और नहीं है तो हम लिंक बना लेंगे, कोई बात नहीं। लिंक होते हैं हमारे उसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह दिए हैं। चलिए तो मेरे पास ये एलुस्ट्रेटर की फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद एलुस्ट्रेटर और ये मेरी फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं। साइज ये आ रहा है मेरा एडिट आर्टबोर्ड में 500x300, ठीक है, ये 500x300, तो ये हमारा क्रिएटिव साइज़ है। अब अगर आपके पास लिंक है तो ठीक है, लिंक हम बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। इसको अनग्रुप करते हैं, इन इमेजेस को निकाल लेते हैं। इसे हम रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स कर लेते हैं, इसे भी रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स कर लेते हैं। तो रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स जैसे आपका कॉरल में पावर क्लिप पर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, बाहर निकालते हैं, सेम ऐसे ही काम करता है। अब हम इसके अलग अलग आर्टबोर्ड बना लेते हैं। ये फर्स्ट आर्टबोर्ड है, ये सेकंड और ये थर्ड आर्टबोर्ड, इसलिए ताकि ये सेव हो जाए सेम साइज में। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे। मैं इसके टिप फाइल ले लेता हूँ, यूज आर्टबोर्ड रेंज में 2 नंबर, ये मेरा सेकंड है। ये मैंने CMYK 300 DPI, ठीक है, ऐसे मैं दूसरी वाली फाइल को सेव कर लेता हूँ, इमेज को। फाइल में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड नंबर 3, ठीक है, तो हमारी इमेजेस हो गई हैं सेव। अब ये जो है ये मुझे अलग सेव करना है, लेकिन इसके अंदर फॉन्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फॉन्ट को कर्व कर लें। कर्व के लिए आप राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइन कर दें, इस पर भी राइट क्लिक करें और क्रिएट आउटलाइन, जहाँ भी आपका फॉन्ट है सेलेक्ट करें, क्रिएट आउटलाइन कर दें और सेव PDF कर दें, सेव एज PDF। PDF क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरा आर्टबोर्ड एक है तो मैं यहाँ नंबर 1 सेव कर लेता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। अब मैं कॉरल खोलता हूँ अपना, ठीक है, या मैं नया पेज ले लेता हूँ। जो मेरा पेज साइज़ था वही यहीं डाल देता हूँ, मेरा सेम पेज साइज़ था 500x300 का, जो मेरा क्रिएटिव साइज़ था वो मैंने सेम यहीं डाल दिया। अब मैंने PDF क्यों बनाया, उसका रीज़न ये है, ये मेरे एलुस्ट्रेटर की फाइल है। अगर मैं इसे डायरेक्ट इम्पोर्ट करता हूँ तो एक तो इमेजेस गायब हो गई, दूसरा ये फॉन्ट आगे पीछे हो गया और कुछ चेंज भी हो गया, इसलिए मैंने PDF पहले बना ली थी। मैं PDF इम्पोर्ट करा लेता हूँ। अब PDF में देखिए आपका सब कुछ सेम है, फॉन्ट साइज़, कलर वगैरह सब, बस आसपास इमेज नहीं है क्योंकि वो हमने सेव की ही नहीं थी। अब हम यहाँ पे अपनी रेफरेंस JPG ले लेते हैं जो आई थी, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इसको पेज पे रख लेते हैं, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर हमें अपना क्रिएटिव सेट करना है। तो एक ऑप्शन तो ये, आप यहाँ से इसको 500x300 कर लें जो आपका साइज़ था और पी प्रेस कर दें, वो पेज पे आ जाएगा। दूसरा है आप शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जो आपकी इमेज थी इसको आप कर लें लॉक, ताकि यहाँ से हिले ना। अब इसको इसके ऊपर रख लें सेम, एक तो ये आप इसको मैच करके रखें, दूसरा है आप पी प्रेस करें, वो पेज के सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मुझे बस लेफ्ट राइट इमेजेस लगानी है, बस और कुछ नहीं। इमेजेस के लिए मैंने यहाँ 2 और 3 नंबर बनाया था, 2 को अब इम्पोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको इसके ऊपर रखना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा पीछे की इमेज सेम आगे की इमेज पे सेम आई है, उसके लिए मैं व्यू पे जाऊँगा, वायर फ्रेम कर लूँगा, इसको मैच कर लेते हैं। अब पीछे वाली तो हिलेगी नहीं आपकी क्योंकि वो हमने पहले लॉक कर ली थी, इसको थोड़ा सा आपको मैनुअली मैच करना होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है।
ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा उधर। ओके परफेक्ट, ये हमारी पहली इमेज सेट हो गई। अब दूसरी ले लेते हैं, व्यू में जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, देखिए शिफ्ट के बाद पेज डाउन करता हूँ, ये सेम जगह पे है। ठीक है, दूसरी इमेज ले लेते हैं अपनी। टिप फाइल मैंने इसलिए सेव करी थी ताकि जब मैं उसे प्रिंटिंग में डालूँ तो मेरी पिक्सलेट ना हो। व्यू वायर फ्रेम, अब इसको भी ऐसे मैच कर लेंगे जैसे उसे मैच किया था। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसे दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, वायर फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इन दोनों को शिफ्ट साथ पेज डाउन करके पीछे कर देता हूँ। अब जो हमने लॉक किया था उसे अनलॉक कर लेंगे और बाहर निकाल देते हैं। अब मुझे इस रेफरेंस इमेज की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा सब कुछ अपने अपने जगह पर सेट है, मुझे डिलीट कर देते हैं। एक बॉक्स में यहाँ बना लेता हूँ, सेम एक बॉक्स यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसको इसके अंदर पावर क्लिप कर देता हूँ, और ये मैंने पावर क्लिप शॉर्टकट कैसे, शॉर्टकट कैसे बनाता है इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो आप देख लेना। अब इन दोनों के मैं फ्रेम नन कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है जो हमारे क्रिएटिव में नहीं था। ठीक, आपका सीडीआर तैयार है। अब इसमें एक चीज़ रह गई, उसके पीछे एक बॉक्स पड़ा था, आप सिंपली इस बॉक्स को सबको सेलेक्ट करें, सिर्फ के साथ बॉक्स सेलेक्ट करें और ऑल्ट जेड सब अंदर कर दें। अभी आपका क्रिएटिव रेडी है। तो सीडीआर में आपका तो साइज़ कैसे भी चेंज करें, इसको कैसे भी टिप फाइल बनाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।